राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनन्या ओनली मोटिवेट। चलिए शुरू करें गीता के कुछ अनमोल विचार। एक, विश्वास की ताकत। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। दो, मृत्यु से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। तीन, कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्मफल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। चार, हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें। पाँच, क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। अगर आपको ये गीता के अनमोल विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।